अच्छा, 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। देश के लिए चेतना के स्रोत स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्राप्त करते हैं, मगर अक्षय ऊर्जा के साथ 50 साल तक अक्षुण रूप से इस सेवा के भाव को चालू रखने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों को करबद्ध प्रणाम कर मेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यहां आया तब मुझे हेलीपैड पर लेने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, किरण रिजिजू मेरे साथ थे, वो रास्ते में मुझसे बात करते थे। अरुणाचल एक दृष्टि से देखिए तो 7 अर्थ में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल, और समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को हमने सालों तक झेला है। अब धीरे 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 समस्या का निरसन भी हो रहा है, निवारण भी हो रहा है, परंतु अरुणाचल कभी भी इस समस्याओं से घिरी हुई नहीं देखा। अरुणाचल के समस्याओं को हमने कभी भी वो समस्याओं के कारण संताप में नहीं देखा है। इसका कारण 50-55 साल से रामकृष्ण मठ का यहां सेवा का यज्ञ जो चल रहा है। मेरे राज्य में भी रामकृष्ण मिशन की गतिविधियां हैं, देश के हर क्षेत्र के अंदर है, दूरदराज पहाड़ी इलाकों में है, आदिवासी क्षेत्रों में है, हर जगह जहां जहां रामकृष्ण मिशन ने काम किया, अपना मिशन लेकर पहुंचे, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सभ्यता, स्थानीय संगीत, स्थानीय भाषा और स्वधर्म को बचाने का काम किया और उसको अक्षुण रखने का काम किया। और पूरा अरुणाचल आज राष्ट्र की मुख्य धारा में है, अपनी संस्कृति को संजोए हुए है, अपने संगीत को संजोए हुए है, अपनी भाषा को भी बचाए हुए है और स्वधर्म के मार्ग पर चल रहा है। उसका मुख्य कारण 55 साल से रामकृष्ण मठ के सन्यासियों ने यहां जो तपस्या करी है वो है। आज मैं यहां आया हूं तब लोथा खुनबाओ को और डांग वांग को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, और उन्हीं के नाम पर एक क्षेत्र को नरोत्तम नगर से हम जानते हैं। मित्रों, अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसने कई संकट झेले, परंतु भारत के साथ अपना आत्मीय रिश्ता हमेशा के लिए बनाए रखा है, और इसलिए जब जब भी अरुणाचल आते हैं यहां से एक ऊर्जा और देशभक्ति के संस्कार लेकर ही वापिस जाते हैं। मैं अरुणाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत अरुणाचल की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। रामकृष्ण मिशन एक परमहंस की स्मृति में एक सन्यासी ने दी हुई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भारत में गुरु दक्षिणा की परंपरा बहुत चिर पुरातन है, मगर किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी जो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर परमहंस रामकृष्ण जी को। गुरु के संदेश को कोई चकाचौंध के बगैर त्याग, समर्पण, बलिदान और सन्यस्त भाव से पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना और सेवा और समर्पण को ही अपना धर्म समझकर आगे बढ़ना, ये शायद विवेकानंद जी के बगैर कोई नहीं सकता। और इसीलिए अपनी मुक्ति तथा विश्व कल्याण के लिए इस सूत्र को लेकर रामकृष्ण मिशन आगे बढ़ा है। और रामकृष्ण मिशन 125 साल लगभग होने के समय पर जहां भारत की भूमि पर सबसे पहला सूर्य का किरण पड़ता है, वो हमारे अरुणाचल में इतने दूर सुदूर क्षेत्र के अंदर
शिक्षा का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्रभक्ति का और संस्कृति और सद्धर्म के बचाव का काम लेकर इतने सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे पूर्व विद्यार्थी हैं, अनेक लोगों ने देश के निर्माण में बड़ा योगदान दिया है, मगर उनको छोटे से बच्चे से अच्छा नागरिक बनाने की यात्रा ये रामकृष्ण मिशन के इस मठ के कारण, रामकृष्ण मिशन के ये मिशन के कारण आज हुई है। रामकृष्ण मिशन से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी काफी जुड़ाव रहा। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अनेक रोगियों की सारवार करते करते, अनेक विद्यार्थियों के जीवन को घड़ते घड़ते, अनेक प्रकार की कुरीतियों से समाज को बचाते बचाते और समाज की आंतरिक चेतना जो हमारी संस्कृति होती है इस पर की कितने प्रकार के आक्रमण को रोकते रोकते आज रामकृष्ण मिशन ने एक पुण्य का बहुत बड़ा लोक अर्जित किया है और पूरा देश ये पुण्य के लोक को प्रणाम करता है। और आज मैं भी यहाँ पर एक चिट्ठी मुझे लिखी थी अच्युतानंद जी ने, मैंने तुरंत ही प्रेमा खांडू को फोन कर दिया था कि मैं आऊंगा। मैं यहाँ जो संतगण बैठे हैं, सन्यासी बैठे हैं, मैं आप लोगों की तरह सब कुछ छोड़कर यहाँ आ तो नहीं सकता हूँ, मगर सब कुछ छोड़कर आप यहाँ काम कर रहे हैं इसको प्रणाम कर उसको अनुमोदन कर जरूर मैं आपको यहाँ पर आकर मिल तो सकता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मित्र अरुणाचल, जैसा मैंने कहा, नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट है और मोदी जी ने 2014 से हमारे उत्तर पूर्व को, अनेक समस्याओं से ग्रस्त नॉर्थ ईस्ट को बदलने का शुरुआत किया है। मैं मेरे जीवन में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था, किसी के घर पर ठहराया गया मुझे, घर के अंदर संवाद चालू हुआ तो कहां से आ रहे हैं आप, मैंने बोला गुजरात से आ रहा हूं, कि अच्छा भारत से आ रहे हैं। मेरे मन में एक बहुत बड़ा आघात हो गया। नॉर्थ ईस्ट का परिवार मुझे पूछता है कि आप भारत से आ रहे हो। आज 2014 से 2022 की ये यात्रा में 8 साल में मोदी जी ने दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया। पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को अपने राज्य जितना ही प्यार करता है और नॉर्थ ईस्ट भी गौरव के साथ आज कह रहा है, हाँ हम महान भारत का हिस्सा है, हम भारत में। 8 साल के कम अंतराल के अंदर परिवर्तन लाना वो वैसे ही नहीं हुआ। आजादी के 75 साल का ये वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 50 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है, मोदी जी 8 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की मुलाकात। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नई